हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। टुडेज लेक्चर इज अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके जी, टॉपिक फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 6, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12 बायोलॉजी। द टॉपिक इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। चलिए चालू करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, पूरा का पूरा ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ, पीपीटी पूरी की पूरी एनसीईआरटी से है। 100% ये एनसीईआरटी बेस्ड है। जहाँ पर थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा होगा आपको बता दूंगा। एनसीईआरटी हम लोग को पढ़नी है, जो पॉइंट हाईलाइट है उनको मैं हाईलाइट भी कर दूंगा। चलिए चालू करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस यू हैव लर्न दैट इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए दैट डिटरमिन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास क्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, इस चीज़ को कौन निर्धारित करता है, इस चीज़ को निर्धारित करता है उसका डीएनए। और डीएनए में भी क्या चीज़, डीएनए किसका बना है, डीएनए बना है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स किसके बने हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बने हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड किसका बना है, न्यूक्लियोसाइड में आपको मिल जाएगा पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोसाइड में होता है पेंटोज शुगर, इसमें होगी डीऑक्सीराइबोस टाइप और आपका नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस आइदर प्यूरिन और पाइरिमिडीन। प्यूरिन्स में आपके क्या आ रहे हैं, प्यूरिन्स में एडिनिन ग्वानिन आ रहे हैं और पाइरिमिडीन्स में कौन आ रहे हैं, साइटोसिन थाइमिन आ रहे हैं, सीटी। तो एजी प्यूरिन्स और सीटी थाइमिन पाइरिमिडीन्स। ठीक है जी, तो बेसिकली ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस है ये जो अंदर की तरफ है। अब आपको अगर याद हो, क्या तुम्हें याद है, डबल स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रक्चर प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक। डबल स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रक्चर, भी स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया था, वॉटसन एंड क्रिक। एंड दिस स्ट्रक्चर, दिस प्रपोजिशन बेस्ड अपॉन किस पे बेस्ड था, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रपोज बाय रोजालिन। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रपोज बाय मॉजिस विल्किन एंड रोजालिन फ्रैंकलिन, उन पे ये डिपेंड कर रहा था। तो इसमें क्या बताया उन्होंने, दो चेन्स हैं डेट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये जो चेन बनी है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की है, इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय मींस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन देम। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बने हैं और ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ते चले हैं। इसमें वन स्ट्रैंड, इसमें एक स्ट्रैंड में द बैकबोन ऑफ स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनस बेस आर अटैच टू शुगर दैट प्रोजेक्टेड इनवर्ड। नाइट्रोजिनस बेस अंदर की तरफ है। ठीक है जी, इसी को बता रहा है वो कि नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंसेस जो कि आपके ए टी सी जी जो अंदर की तरफ है, ए टी सी जी सी जी ए टी 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 सी जो भी है, पी मुँह से निकल गया गलत, सीक्वेंसेज ऑफ बेसिस इन डी एन ए दैट डिटरमाइंस द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के क्या जीन होंगे, क्या उसके लक्षण होंगे, क्या फीनोटाइप होगा, क्या जीनोटाइप होगा, ये बात कौन निर्धारित कर रहा, उस पर मौजूद सीक्वेंस ऑफ बेसिस। सीक्वेंस ऑफ बेसिस मतलब ए ए टी टी सी सी जी डी 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 ए टी ए टी ए टी ए टी 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 ए। तो ये सीक्वेंस ऑफ बेसिस निर्धारित कर रहा किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो उसके पास है। इन अदर वर्ड्स, जेनेटिक मेकअप ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन डीएनए सीक्वेंसेस। तो दूसरे शब्दों में कह दें अगर इसी बात को कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ समाहित है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में समाहित है। और ये डीएनए किसका बना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड किसके बने, जो आपको अभी बताया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड किसका बना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड बना है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस अंदर की तरफ है, अभी आपको मैंने ये बात बताई। तो ये नाइट्रोजिनस बेस की सीक्वेंस निर्धारित कर रही है कि किस तरह का डीएनए, किस तरह के जीन है, उनका क्या फिनोटिपिक इफेक्ट आएगा और क्या जीनोटाइप होगा। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हेरिडिटरी है, जो उसके आनुवंशिक गुण हैं, वो किसके पास हैं, डीएनए के पास। और डीएनए के उस टुकड़े के पास, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव कोडेड इन्फॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर, दैट सेगमेंट इज कॉल्ड जीन, जिसको आज की तारीख में हम लोग सिस्ट्रॉन बोलते हैं। सिस्ट्रॉन इज दैट पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के लिए जानकारी जिस टुकड़े के पास है, उस टुकड़े को हम लोग सिस्ट्रॉन बोलते हैं, जिसको पहले जीन बोलते थे। जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव कोडेड इन्फॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर। आपको गुस्सा आएगा कि आपकी आइरिस का रंग नीला होगा, कि आपकी आइरिस का रंग ऐश्वर्या जैसा होगा, कैसा होगा,
वो जानकारी किसके पास है, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज जीन, आपकी हाइट कितनी होगी, आपका स्किन का कलर कैसा होगा, आप कब चिढ़ जाओगे, आप कब किसी पर गिर जाओगे, सारी बातें कौन निर्धारित कर रहा, डीएनए। और डीएनए किसका बना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में शुगर फॉस्फेट उसकी बैकबोन बना रही, अंदर की तरफ क्या है नाइट्रोजिनस बेस, ये नाइट्रोजिनस बेस की सीक्वेंस ही निर्धारित कर रही है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपकी क्या इंडिविजुअलिटी, क्या पर्सनैलिटी होगी, आप मिश्रा हैं या आप गुप्ता हैं, आप नैन्सी श्रीवास्तव हैं या प्रिया गुप्ता हैं, या आप सुचिता अग्रवाल हैं या आप सायरा बानो है, सब डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअलिटी, आप हर एक अपने में विशेष हो, अलग हो, क्योंकि आप लोग के पास, हर किसी के पास एक विशेष डीएनए है, हर किसी का डीएनए अलग है इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल से। इफ़ टू इंडिविजुअल डिफर देन देयर डीएनए सीक्वेंस शुड आल्सो बी डिफरेंट, अगर दो इंडिविजुअल आपस में डिफर कर रहे हैं तो उनका डीएनए भी डिफरेंट है, एटलीस्ट एट सम प्लेसेस, कम से कम कुछ जगहों पर। तो कोई ऐसे इंडिविजुअल जैसे कि आपने देखी पिक्चर सीता और गीता ट्विंस, क्या उनका डीएनए समान होगा, तो हर ट्विंस का डीएनए समान हो जरूरी नहीं, केवल मोनोजाइगोटिक चाहो तो लिख लेना, ओनली मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो हैं वो मिरर इमेज हैं एक दूसरे की, उनका डीएनए एग्जैक्टली अलाइक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का जेनेटिक मटीरियल, उनके फिंगरप्रिंट भी एक समान होंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या भैया, आपके स्पर्म और एग सेल के फ्यूजन के बाद क्या बना था, जाइगोट, उस जाइगोट में डिवीजन, वो एम्ब्रायो, और वो एम्ब्रायो डेवलपमेंट होकर फीटस, फीटस से नया ऑर्गेनिज्म एडल्ट। तो ये जो जाइगोट बना, इस जाइगोट में जो पहला डिवीजन हुआ, उस डिवीजन में ये जो इंडिविजुअल सेल्स बनी, इफ दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक इंडिपेंडेंट सेल्स, इंडिपेंडेंट एम्ब्रायो, तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस। जाइगोट में पहला जो डिवीजन हुआ उसमें जो दो सेल्स बनी, वो दोनों सेल्स अलग अलग आपके श्री प्रकाश और जय प्रकाश को जन्म देंगी, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे। दूसरा ट्विंस मैटरनल ट्विंस होते हैं, वो अलग तरह के ट्विंस हैं। तो जाइगोट बनने के बाद जो पहला डिवीजन हुआ उसमें जो दो सेल्स बनी, अगर वो अलग अलग इंडिपेंडेंट एम्ब्रायो में डेवलप हो जाती हैं तो इस तरह का जो होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहलाते हैं, उनका जेनेटिक मटीरियल एग्जैक्टली अलाइक होता है। तो इफ़ टू इंडिविजुअल डिफर देन देयर डीएनए सीक्वेंस शुड आल्सो बी डिफरेंट, अगर इंडिविजुअल डिफरेंट है तो डीएनए भी डिफरेंट होगा, एटलीस्ट एट सम प्लेसेस, कम से कम कुछ जगहों पे। दिस अजम्पशन लेड टू द क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो जब ये बात समझ ली गई, सोच ली गई, तो ज़रूरत महसूस हुई कि हम लोग को कंप्लीट डीएनए सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम की कर लेनी है। अब ये जीनोम क्या भला है और ह्यूमन जीनोम क्या, तो ह्यूमन में मिलने वाला जीनोम ह्यूमन जीनोम, अब ह्यूमन जीनोम क्या कंप्लीट सेट, अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक पूरा सेट, अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स वेयर ईच एंड एवरी क्रोमोसोम रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ सिंगली, जिसमें हर एक क्रोमोसोम एक नंबर में, मतलब एक कॉपी में होगा। तो आपको पता है आप में 46 क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड नंबर हम लोग का, ये डिप्लॉयड कंटेंट है, डिप्लॉयड हम लोग, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड मतलब हम लोग की हर सेल में दो जीनोम है, अगर एक जीनोम होता तो हम लोग कहते हैं एन हैप्लॉयड, वो सेल जिसमें एक जीनोम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एन, एन को ये रिप्रेजेंट करता है एन नंबर ऑफ जीनोम, वन है हैप्लॉयड सेल है, तो हम लोग की हैप्लॉयड सेल कौन होती है, हम लोग के गैमेट, उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, वैसे हम लोग में हर सेल में 46 क्रोमोसोम है, हमारी शरीर की हर सेल में, सोमेटिक सेल में और इवन जर्म मदर सेल में भी, जर्म मदर सेल जिससे आपके बनने जा रहे हैं गैमीट, मियोसिस डिवीजन होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, जर्म मदर सेल में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, गैमीट में 23 हो जाएंगे, हमारी बॉडी की हर सेल में 46 क्रोमोसोम। तो कोई मेल है अगर तो उसमें 44 ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स आर दोस विच कंटेन जीन्स और विच जीन्स आर प्रेजेंट दैट कंट्रोल सोमेटिक करेक्टर्स एंड टू सेक्स क्रोमोसोम, दो कॉपी हैं सेक्स क्रोमोसोम की, दो मेल में एक एक्स है एक वाई है, फीमेल में 44 ऑटोसोम, एक एक्स एक एक्स, दो एक्स है, ठीक है जी। ये सेक्स क्रोमोसोम इसलिए कहलाते हैं बिकॉज सम जीन्स आर प्रेजेंट ओवर हेयर कंट्रोल्स आर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, टेक्स पार्ट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, दैट्स वाई दिस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम एंड दिस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सोमेटिक क्रोमोसोम्स, बिकॉज द जीन्स प्रेजेंट ओवर दिस सोमेटिक क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द
करेक्टर, बॉडी करेक्टर जो हैं हमारे शरीर के सोमेटिक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है जी। तो इस तरह के दो तरह के आपके क्रोमोजोम्स हैं, ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोजोम। अब पूरा सेट ये 46 का, इसमें एक पूरा सेट में 23 क्रोमोजोम है विच वी इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फादर, 23 वी इनहेरिटेड फ्रॉम आवर मदर। 23 का एक पूरा सेट हमें हमारे फादर से वाया स्पर्म, 23 का एक पूरा सेट हमें हमारी मदर से वाया एक्सेल मिला। तो ये एक जीनोम को रिप्रेजेंट कर रहा, ये एक जीनोम को रिप्रेजेंट कर रहा। तो ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग अगर हम कर लें तो जितने भी क्रोमोजोम है उसके न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग अगर हम कर लें वो कहलाएगा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, और जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के बाद, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करते हैं सेल से, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को प्यूरीफाई कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, डाइजेशन करवा लेंगे डीएनए का विद द हेल्प ऑफ एंडो न्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन। एंडो न्यूक्लियस की सहायता से आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर लेंगे, दीज आर कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर, मॉलिकुलर सीजर है बिकॉज दे कैन कट द डीएनए, डीएनए को काट सकते हैं। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर आप करा लेंगे तो डीएनए को उसके सेगमेंट्स की लंबाई के अनुसार अलग अलग आप सेपरेट कर लेंगे, और अगर आप क्लोनिंग करा लेंगे तो डीएनए की क्लोनिंग करा लेते हैं आप किसी भी फोर्स सेल में, डीएनए के नंबर आप इंक्रीज करवा सकते हैं, क्लोनिंग करवा सकते हैं। वेक्टर, वेक्टर हैं जो हमारे डीएनए को, ये ओला कैब टैक्सी है, ये वेक्टर हैं, डीएनए मॉलिक्यूल हैं जो हमारे डिजायर डीएनए को किसी सेल के अंदर ले जा सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दीज आर कॉल्ड वेक्टर। तो ये सारी की सारी टेक्निक कि डीएनए को अलग कर सकते हैं, डीएनए की रेप्लिका बना सकते, मतलब डीएनए को रेप्लिकेट कर सकते हैं, डीएनए का आइसोलेशन कर सकते हैं, डीएनए का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, डीएनए को काट सकते हैं, ये सारी टेक्निक जब डेवलप हो गई तब तब विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स वेयर इट वॉज पॉसिबल टू आइसोलेट, जहाँ पे इस बात की संभावना पॉसिबल था कि हम आइसोलेट कर सकते थे, क्लोनिंग कर सकते थे, उसके नंबर कर सकते थे, कार्बन कॉपी फोटोकॉपी की मशीन टैक 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 फोटोकॉपी कर सकते हो आप एनी पीस ऑफ डीएनए, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक फॉर डिटर्मिनिंग डीएनए सीक्वेंस, साथ के साथ डीएनए की सीक्वेंसिंग करने की टेक्निक भी डेवलप हो गई कि आप डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम वॉज लॉन्च इन द ईयर 1990। तो ये सारी बातों की जब संभावनाएं हो गई, जब ये टेक्निक डेवलप कर ली गई, तो 1990 में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसको हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। देखिए जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं आखिरी में आके स्लाइड में शेयर करूँगा, बिकॉज ये थोड़ा सा आपका जो चैप्टर है इसमें एक तो आगे चलेंगे देखेंगे हम लोग, जब मेथोलॉजी की बात करेंगे तब आपको समझ नहीं आता, वहाँ पे आप गड़बड़ाओगे, तो उसके लिए आप बने रहना, अभी वीडियो छोड़ के भाग मत जाना, समझ में आ जाएगा। और आखिरी में मैं आके शेयर कर दूंगा कि इसमें से आपने क्या क्या चीज़ें को रट लेना है, अगर समझ में नहीं आया तो पहले तो आपको कोशिश कर रहा हूँ समझा दूँ, ना समझा पाऊँ तो रटा दूँ, बने रहना वीडियो पर भाग ना जाना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट कहलाता है, यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट इफ यू सिंपली डिफाइन द एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलो। तो आप समझ सकते हैं क्यों ये भैया, क्यों ये हमारा मेगा प्रोजेक्ट कहला रहा, तो आप इसकी मैग्नीट्यूड इसका आप समझ सकते हो, विस्तार आकार कितना बड़ा था, रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी थी प्रोजेक्ट की, अगर हम कुछ बातें आपको बताएं। ह्यूमन जीनोम सेड टू हैव अप्रॉक्सीमेटली 3×10⁻⁹ बेस पेयर, ह्यूमन जीनोम में सिंगल जीनोम में, डिप्लॉयड में नहीं, हैप्लॉयड कंटेंट, तो डिप्लॉयड का आपका 3.3×10⁹ बेस पेयर है, और हैप्लॉयड का, और डिप्लॉयड का आपका है 6.6×10⁹ बेस पेयर। ये डीएनए के बेस पेयर की सीक्वेंस है ह्यूमन जीनोम में। तो कह रहा ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रॉक्सीमेटली 3×10⁹ बेस पेयर, ह्यूमन जीनोम में इतने बेस पेयर लगभग हैं, अप्रॉक्सीमेटली लगभग। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड $3 पर बेस पेयर, अगर हम जो अनुमानित तो उसकी खर्चा आ रहा है $3 पर बेस पेयर का खर्चा आ रहा है सीक्वेंसिंग करने का, द एस्टिमेटेड कॉस्ट इन द बिगनिंग, जो कि शुरुआती पूर्वानुमान था जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 1990 में, द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली $9 billion। तो ये अनुमानित राशि कितनी थी जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, तो प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया गया तब देखा गया कि $9 billion, बिलियन का मतलब 100 करोड़, तो 900 करोड़ हमारे $900 का ये खर्चा था, और आज की तारीख में आप जानते हो $900 करोड़ क्या रेट चल रहा है, लगभग 80 रुपये। तो ये कितना हो गया, 72,000 करोड़ का खर्चा मानव की अपने इंडियन करेंसी के हिसाब से।
तो $9 बिलियन $9 बिलियन का खर्चा था जब इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। फर्दर इफ़ द ऑब्टेंड सीक्वेंसेज वर टू बी स्टोर्ड, अब अगर ये तो आपने खर्चा समझ लिया, हम इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कह रहे हैं, इसको समझ लीजिए कि कितना वास्ट पैमाने पे कितना बड़ा काम करने जा रहे थे जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, कि आपको 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर की सीक्वेंसिंग करनी है, और अगर खर्चा $3 पर बेस पेयर है तो खर्चा कितना $9 बिलियन का खर्चा एस्टिमेटेड कॉस्ट थी। फर्दर और एक बात ध्यान देने वाली कि अगर ये जो हमें सीक्वेंसिंग हमने कर ली, अब हम उसको स्टोर करें, टाइप करके उसको हम एक उसका स्टोरेज बुक बनाए, एक बुक में उसको स्टोर करें, फॉर्म इन द बुक एंड इफ़ पेज ऑफ द बुक कंटेन 100 letters एंड ईच बुक कंटेन 1000 letters एंड ईच बुक कंटेन 1000 pages देन 3300 सच बुक वुड बी रिक्वायर्ड। अब अगर हम ऐसी बुक बनाएं जिस बुक में हम इनको टाइप करके रख लें, तो 1000 pages वाली 1000 हर पेज पे 1000 alphabet letters ऐसी आपको 3300 बुक्स रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है जी। एक बुक में 10,000 लीव पन्ने और हर लीव पे 10,000 वर्ड्स, या कहिए कि अल्फ़ाबेट, या कहिए कि आपके क्या इसने लेटर। तो इस तरह से आप देखिए 3,300 बुक और हर बुक में 1,000 पेजेस और हर पेज पे 1,000 लेटर्स, इतना वास्ट डाटा आपका बन जाएगा। 3,300 किताबें भर जाएंगी और हर किताब में 1000 पन्ने और हर पन्ने पे 1000 letters, ठीक है जी। फर्दर इफ़ द ऑब्टेंड सीक्वेंस वर टू बी स्टोर्ड इन द टाइप फॉर्म इन बुक्स, टाइप फॉर्म में टाइप करके रख लिया आपने बुक में, एंड इफ ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन 1000 letters एंड ईच बुक कंटेन 1000 pages देन 3300 सच बुक वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम अ सिंगल ह्यूमन सेल, एक सिंगल ह्यूमन सेल से, गैमीट से जो आपको डीएनए सीक्वेंसिंग करी, जीनोम की सीक्वेंसिंग करी, तो 3300 किताबें जिसमें हर किताब में 1000 पन्ने और हर पन्ने पे 1000 letters अल्फ़ाबेट वर्ड कह लीजिए होंगे, ठीक है। इतना आपका बड़ा डाटा आपको कलेक्शन करके आपको रखना है। द इंफॉर्मेशन द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड also necessitated the use of high speed computational devices for data storage and retrieval and analysis। अब जब आपने ये अनुमान लगा लिया कि हमको इतना बड़ा आपको डाटा मिलने जा रहा है, आपको इतना बड़ा इंफॉर्मेशन के रूप में इतना बड़ा आपको सांख्यिकी जानकारी मिलने जा रही है, तो ज़रूरत किस चीज़ की महसूस हुई, हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की, हमको इस तरह के कंप्यूटर डेवलप करने हैं जो बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर हो, जैसे 2G आया, 3G, 4G, 5G, तो स्पीड कंप्यूटर की बहुत तेज हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस चाहिए फॉर डाटा स्टोरेज, डाटा आप स्टोर कर रहे हैं। रिट्राइवल का मतलब होता है जब आपको ज़रूरत हो रिकॉल कर लें उसको, कि पुनः उसको प्राप्त कर लें, एंड एनालिसिस और उसका आप विश्लेषण कर लें। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन द बायोलॉजी कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ह्यूमन जीनोम, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बना सकता है, देख लीजिए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्लोजली एसोसिएटेड, बहुत निकटता के साथ इस बात से जुड़ा हुआ है कि बायोलॉजी में एक नई साइंस का, एक नई टेक्नोलॉजी का, एक नई शाखा का उद्भव हुआ, एक नई शाखा बायो इन्फॉर्मेटिक्स के रूप में डेवलप हुई। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो मीन्स लाइफ, बायोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स IT सेक्टर, कि कंप्यूटर की जो चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो सारी की चीज़ें आप बायोलॉजी के जो डाटा आपके हैं उसको सॉफ्टवेयर में स्टोर करें और उसके अलावा उसका एनालिसिस करें, रिट्राइवल जब आपको चाहिए हो तो उसको फिर से आप जनरेट कर सकें। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी अलॉन्ग विद कंप्यूटर साइंस, IT टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज अ फील्ड, ये अलग से लाइन है आपकी NCERT की समझाने के लिए कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। फील्ड दैट डेवलप्स एंड इम्प्रूव्स ऑन मेथड, जो कि विकसित कर रही है और उसको विकास कर रही है और अच्छा बना रही है ऐसी तकनीक का, ऐसे मेथड्स का, फॉर स्टोरिंग, रिट्राइविंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। जो बायोलॉजिकल डाटा, बायोलॉजिकल, बायो का मतलब लाइफ, लाइफ से, सेल से रिलेटेड जो डाटा की, DNA की सीक्वेंस,
डीएनए का कंटेंट, डीएनए का अमाउंट, बायोलॉजिकल जो डाटा है उसको स्टोर करना, उसको रिट्राइविंग किया, आपने स्टोर किया तो कल को 2, 4, 6, 8, 10 दिन महीने बाद साल भर बाद आप उसको रिकॉल करें, मेमोरी में फील्ड हो तो आप उसको फिर से रिकॉल कर सकें, ऑर्गेनाइजिंग को व्यवस्थित कर लें, एनालाइज कर लें बायोलॉजिकल डाटा। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज अ फील्ड दैट डेवलप्स एंड इम्प्रूव्स मेथड फॉर स्टोरिंग रिट्राइविंग ऑर्गेनाइजिंग एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। अ मेजर एक्टिविटी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर टूल। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में करना क्या, ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स बनाने हैं टू जनरेट यूजफुल बायोलॉजिकल नॉलेज, जिससे आप बायोलॉजिकल नॉलेज, जो बायोलॉजिकल डाटा मिला उसको स्टोर कर लें, उसकी एनालिसिस कर लें। तो ये अलग से लाइनें हैं जिसमें आपको ये समझाने की मैंने कोशिश करी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता। चलिए आगे चलूँ, गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो यहाँ से भी वो क्वेश्चन बनाते हैं, वो दे देंगे इस बार। देखिए नीट 2022 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो कहेंगे हेयर आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, चूज द इनकरेक्ट वन। तो ये आपके 6 गोल हैं, उसमें से 2 में उन्होंने ऑल्ट्रेशन कर दिया और आपसे कहा जी चूज द इनकरेक्ट वन, कौन से 2 इनकरेक्ट हैं। तो अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको, ये वाला याद करना पड़ेगा। ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए हमें पहचानना है। गोल क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, गोल कि अप्रॉक्सीमेट जीन्स जो ह्यूमन बींग में है 20,000 से 25,000 आप उनको आइडेंटिफाई करें, पहचान सकें। डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, हम लोगों ने बोला 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर का हमारा ह्यूमन जीनोम है, तो उसकी सीक्वेंसिंग निर्धारित करें आप। सीक्वेंस मालूम हो हमें 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर की, दैट मेकअप ह्यूमन डीएनए, जो ह्यूमन डीएनए बनाता। तो सीक्वेंस ऑफ भाई आपने जीन्स पहचानने हैं, आइडेंटिफाई करने, उसके अलावा सीक्वेंस निर्धारित करनी है, सीक्वेंस को डिटरमिन करना। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, अब ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको सीक्वेंस मिल गई 3000 हमारी 3 × 10⁹ बिलियन 3 × 10⁹ बेस पेयर की जो सीक्वेंस मिल गई और आपको आपने पहचान लिए जीन्स, अब आपने ये जो इन्फॉर्मेशन मिल गई उसको आपने स्टोर कर लेना इन डाटा बेस सॉफ्टवेयर में। इम्प्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस, साथ के साथ आपने इस डाटा को जो आपको मिला है उसकी एनालिसिस करनी है और साथ के साथ जो टूल्स आपके पास औजार हैं एनालिसिस के उनको समय समय पे आपने इम्प्रूव भी करना। ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर, अब ये जो आपको मिल गई है जानकारी, ये जो टेक्नोलॉजी मिल गई है उसको आप दूसरे सेक्टर को, सच एज इंडस्ट्रीज, मेडिकल, जो दूसरे सेक्टर और हैं एग्रीकल्चर, उनको आप ये चीज़ें ट्रांसफ़र, अगर वो मांगे आपसे कि भाई हमें भी दो तो आप उनको ट्रांसफ़र कर सकें, ये टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर, रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर। एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, और ये जो प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं उसमें आपके लिए कोई कानूनी कोई खुड़पेंच ना हो जाए, सामाजिक कोई इशू ना खड़ा हो जाए, मुद्दा ना खड़ा हो जाए, नैतिकता से रिलेटेड कोई इशू ना खड़ा हो जाए, तो उसको भी टेकन केयर करना, उसको भी आप सॉर्ट आउट करना, उसको भी आप कन्फ्रंट करना। तो ये सारी ज़रूरतें गोल थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, फिर से देख लीजिए। और इसको रटने का तरीका, आईडी मांग लेते हो आप किसी से, यहाँ पे आईडी किससे मांग ली गई, तो सीता और गीता वाली सीता से मांग ली गई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द अप्रॉक्सीमेट जीन, डिटरमिनिंग द बेस सीक्वेंसेस 3 × 10⁹ 3 बिलियन जो बेस पेयर है उनकी सीक्वेंसेस को आपने करना है, डिटरमिन करना। उसके बाद जो डाटा आपको मिल गया स्टोरेज करनी, स्टोर दिस इन्फॉर्मेटिक्स इन्फॉर्मेशन इन डाटा बेस। उसके बाद आपने क्या करना, इम्प्रूव करने टूल अपने डाटा एनालिसिस के लिए, इम्प्रूव टूल। उसके बाद क्या करना, ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू रिलेटेड सेक्टर, अदर सेक्टर। और आखिरी में आके एड्रेस करना, अगर कोई इससे रिलेटेड इशू खड़ा हो, एथिकल इशू या आपका सोशल इशू या लीगल इशू, तो उसको आप एड्रेस करना। ये थे गोल आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो आईडी सीता, इससे अगर आप याद रख सकें, वरना आपको ये याद तो बेटा करने पड़ेंगे। चलिए, योगा से होगा, हाँ याद करने से ही होगा। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज अ 13-year प्रोजेक्ट, ये 13 ईयर चला प्रोजेक्ट, 13 साल लंबा चला प्रोजेक्ट। कोऑर्डिनेटेड बाय किनों ने चलाया, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये सारी बातें जो हाईलाइट कर रखी हैं, आगे चल के देखिएगा, स्लाइड आखिरी में मैं शेयर करूँगा, वो हाईलाइट पॉइंट मैंने एक जगह कर रखे हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 साल चलने वाला प्रोजेक्ट था, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसको रन किया। ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स, शुरू के दिनों में अर्ली ईयर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, द वेलकम ट्रस्ट UK यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, तो वेलकम ट्रस्ट बिकेम अ मेजर पार्टनर, वो भी इसमें कूद गया और इन लोग का साथी बना। एडिशनल कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, बाद में कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन सहायता दी गई, किनों ने दी, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर्स। द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 2003,
1990 में लॉन्च हुआ, 13 साल बाद 2003 में इसको बोला गया जी पूरा हो गया। नॉलेज अबाउट इफेक्ट्स ऑफ डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स कैन लीड टू रिवोल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोस ट्रीट एंड सम डे प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ह्यूमन बींग। अब अगर हमको इस सब चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी कि डीएनए के वेरिएशन जो आ रहे हैं, आपने एक हेल्दी ह्यूमन बींग का ले लिया, डीएनए का जीनोम का पूरी सिक्वेंसिंग कर ली, और किसी बीमारी में आपने देखा जी पर्टिकुलर जीन पे पर्टिकुलर कुछ दिक्कत की है, तो आप समझ रहे हो कि भैया ये बीमारी जो हो रही है इस वजह से हो रही है। ठीक है, समझ में आई बात। तो नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन, डीएनए का जो वेरिएशन आ रहा है उसमें क्या आप देख रहे हैं कि उसके क्या वेरिएशन की वजह से कुछ इफेक्ट आ रहा है कि उसमें पर्टिकुलर ट्यूमर हो रहा है ये वेरिएशन की वजह से। अमंग इंडिविजुअल्स जब आप अलग अलग इसका से रिसर्च करोगे इंडिविजुअल्स पे और ये देखोगे कि एक कोई एक पर्टिकुलर वेरिएशन की वजह से कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ हो रही है, तो आप समझ जाओगे कि डीएनए में अगर ये वेरिएशन यहाँ पे मिल रहा है तो इससे डिजीज़ होने के चांस है। कैन लीड टू रिवोल्यूशनरी न्यू वे, तो ये आने वाले समय में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है डायग्नोसिस में, बीमारी के डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, एंड समडे प्रिवेंट थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर। और आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसी टेक्निक डेवलप हो जाए कि हम भैया उस तरह के वेरिएशन को पहले ही काउंटर कर लेना, तो समबॉडी प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर। आने वाले समय में हो सकता है कि हजारों के इस तरह के जो डिसऑर्डर जो हो सकते हैं उनको हम पहले ही प्रिवेंट कर लें, दैट में इफेक्ट ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग को इफेक्ट करेंगे। बींग प्रोवाइडिंग क्लूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी को समझने के लिए ये संकेत दे रहा है। ह्यूमन जीनोम का जब हमने सिक्वेंसिंग कर ली, लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, साथ के साथ इसमें हम लोग नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के डीएनए सिक्वेंसिंग भी करेंगे, कैन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग टू देयर नेचुरल कैपेबिलिटी। और जब हम नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के डीएनए सिक्वेंस करेंगे तब हमें पता लगेगा, ये समझने की जानकारी हमें मिलेगी कि उनके अंदर कितनी प्राकृतिक क्षमता है कि वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है दैट कैन बी अप्लाइड टूवर्ड सॉल्विंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर, उनकी नेचुरल कैपेबिलिटी क्या है और कैसे हम उस कैपेबिलिटी को अप्लाई कर सकते हैं इन सॉल्विंग चैलेंजिंग इन हेल्थ केयर, जो हमारे हेल्थ केयर में चैलेंजेस आ रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करने में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, इन्वायरमेंट रिमीडिएशन में। तो ह्यूमन जीनोम को समझने के साथ साथ हम नॉन ह्यूमन जो ऑर्गेनिज्म है अगर उनके डीएनए सीक्वेंस भी कर लेंगे तो हमें ये समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि उनमें कितनी प्राकृतिक क्षमता है, वो किस तरह से हमें इफेक्ट कर सकते हैं, क्या वो हमारे किसी काम आ सकते हैं, क्या हेल्थ केयर में उनका कोई रोल हो सकता है, क्या एग्रीकल्चर में उनका कोई रोल हो सकता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन की सीक्वेंसिंग के अलावा नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंसिंग करने को भी देखा गया। मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट, सिनोरेब्डाइटिस एलिगेंस, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड, ड्रोसोफिला, प्लांट्स में राइस, अरेबिडोप्सिस एट्सेट्रा हैव बीन सीक्वेंस। तो ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग तो कर ही ली गई है, इसके अलावा बैक्टीरिया की, ईस्ट की, सिनोरेब्डाइटिस एलिगेंस की, ड्रोसोफिला की और प्लांट्स में राइस की भी आपकी सीक्वेंसिंग कर ली गई है। तो उनके जीनोम की भी उसमें ह्यूमन ना बोल देना, ह्यूमन में थोड़ी ना मिल रहा, तो इन नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म की भी सीक्वेंसिंग कर ली गई है। ठीक है, मेथोडोलॉजीज पे आइए, यहाँ पे आप फंसते हो जब आप पढ़ते हो। द मेथड इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोच, अब जो मेथड है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग करने का, दो तरह की आप अप्रोच कर सकते हैं। वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। एक अप्रोच तो ये है कि हम ह्यूमन जीनोम में केवल उन्हीं सीक्वेंसेस को टारगेट करें जो जीन की तरह बिहेव करती हैं, मतलब जो मैसेंजर आरएनए पे एक्सप्रेस होती हैं, मतलब जो मैसेंजर आरएनए बनता है एचएनआरएनए, जब आरएनए बनता है एचएनआरएनए हीटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, तब उसमें एक्सॉन्स ये जो हमारे एक्सप्रेसिंग पार्ट है, इंटरवीनिंग इंट्रॉन्स भी होते हैं, इंट्रॉन्स स्प्लाइसिंग से हटा दिए जाते हैं। तो हम केवल उन पार्ट्स को डीएनए के जो अपने को एक्सप्रेस करते हैं जीन के रूप में, जो मैसेंजर आरएनए में स्प्लाइसिंग के बाद बचते हैं मैच्योर मैसेंजर आरएनए पे, जो अपने को एक्सप्रेस करते हैं जिनके ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनती है, हम केवल उनकी सीक्वेंसिंग कर लें। एक तो ये अप्रोच हो सकती है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो मेथड तरीका क्या है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग करने का? एक मेथड है कि आप आइडेंटिफाई करें ऑल द जीन्स, कि सारे के सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करके केवल उन्हें आपने सीक्वेंसिंग कर ली जीन्स की, जीन जो अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं एज आरएनए। तो जीन अपने को कैसे एक्सप्रेस करता है? एक्सप्रेशन ऑफ जीन क्या है? फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन सेंट्रल डोगमा की, डीएनए अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा
मैसेंजर आरएनए पे, और मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए पे आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, प्रोटीन बन गई, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया, डीएनए ने अपने को एक्सप्रेस कर दिया। तो एक तरीका तो है ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस एज आरएनए, सभी जीन्स जो अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं आरएनए की तरह रेफर्ड एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, एग्जॉन्स जो है जो अपने को एक्सप्रेस करते हैं। द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच, दूसरी अप्रोच ये है अंधा कि पूरी की पूरी सीक्वेंसिंग कर लो पूरे जीनोम की, हमें ये मतलब नहीं कि बेटा कि ये पार्ट केवल सीक्वेंसिंग, मतलब जो एक्सप्रेस सीक्वेंस रहेगा ये तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, इससे क्या मतलब फिर आपका कोडिंग सीक्वेंस फिर कोई जीन है। तो एक तो अप्रोच थी कि केवल आप कोडिंग सीक्वेंसेस को टारगेट कर लो, दूसरा कि पूरे को, भले कोडिंग है भले नॉन कोडिंग है सभी की सीक्वेंसिंग कर लो। ठीक है, दो तरीके हैं। द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच, ब्लाइंड अप्रोच आँख बंद करके जो भी सामने आया दाएँ AK-47 गोली सबको मारनी है, और एक है कि गोली आपने किसको मारनी, केवल अपने दुश्मन को मारनी, केवल आपने उन सीक्वेंसेस को सीक्वेंस करना है, उन स्ट्रेचेस को डीएनए के जो अपने को एक्सप्रेस कर रही है केवल उनकी सीक्वेंसिंग कर लो जीन्स, या आप पूरे की कर लो नॉन कोडिंग की भी कर लो, सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शन। और बाद में आप ये निर्धारित करें जब आपने पूरी सीक्वेंसिंग कर ली कि भैया इस वाले रीजन का या ये जो जीन है जो अपने को एक्सप्रेस कर रहा है इसकी वजह से ये एक्सप्रेशन ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, बाद में आपने उसकी असाइन किया कि उसका क्या काम है, उसको जिम्मेदारी दी, असाइनिंग जिम्मेदारी देना कि इस वाली पर्टिकुलर सीक्वेंस का ये काम है, ये इंसुलिन बना रहा, ये हमारा पेप्सिन बना रहा, ये हमारा बीटा ग्लोबिन चेन बना रहा। तो ये पहले आपने पूरी सीक्वेंसिंग कर ली, बाद में आपने असाइन किया कि ये पोर्शन इसका इस काम आ रहा, ये काम कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस एनोटेशन। एनोटेशन आप टीका टिप्पणी, जब किसी चीज़ की कोई टीका टिप्पणी है जैसे मैं इस पर कर रहा हूँ तो ये एनोटेशन है, टीका टिप्पणी कर रहा हूँ, एनोटेट कर रहा हूँ सीक्वेंस को। सीक्वेंस को जब आपने निर्धारित कर दिया कि ये सीक्वेंस का ये काम है, इसकी वजह से इसको ये काम हो रहा है, इंसुलिन बन रहा, तो पहले आपने पूरे की सीक्वेंसिंग कर ली, सीक्वेंसिंग करने के बाद आपने निर्धारित किया कि पर्टिकुलर सीक्वेंस का क्या काम है, एनोटेशन किया, सीक्वेंस एनोटेशन ये कहलाएगा। फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल आइसोलेट, सीक्वेंसिंग करने के लिए यहाँ ध्यान देना भैया मुआवत दो लो, एंड कन्वर्टेड इंटू रैंडम फ्रेगमेंट ऑफ रिलेटिवली स्मॉल साइज, पहले आपने पूरा डीएनए निकाला फिर आपने उसको स्मॉल साइज में, स्मॉल साइज में कैसे करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से काट लोगे। ठीक है, एंड क्लोन इन सुटेबल होस्ट, उसके बाद सुटेबल होस्ट में इसकी क्लोनिंग करा के आपने नंबर बढ़ा लिया। द क्लोनिंग रिजल्टेड इंटू एम्पलीफिकेशन, क्लोनिंग हो गया, एम्पलीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए, तो ये डीएनए था इसको आपने रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से काट लिया फिर उसके नंबर बढ़ा लिए, सब्सिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस विद दिस, तो ये इसके नंबर बढ़ गए तो अब आप आसानी से इसको सीक्वेंसिंग कर पाओगे। द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्पलीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए, उसका एम्पलीफाई हो गया नंबर, मल्टीपल कॉपीज बन गई फ्रेगमेंट, सो दैट इट सब्सिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस विद दिस, इससे कि आप आसानी से उसकी सीक्वेंसिंग कर सकें। द कॉमनली यूज होस्ट वेयर वर बैक्टीरिया एंड ईस्ट, तो वो होस्ट सेल जिनके अंदर आप डीएनए को पहले क्लोनिंग करवा रहे हो बैक्टीरिया और ईस्ट है, कॉमनली यूज होस्ट मेजबान जिनके अंदर आप क्लोनिंग करवाओगे बैक्टीरिया और ईस्ट सेल्स हैं, एंड द वैक्टर और वो वैक्टर जिनकी सहायता से आप उनमें इंट्रोड्यूस करवाओगे, वैक्टर वर्क कॉल्ड एज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक एंड यैक। तो ये पूछा जाता है आपसे बैक एंड यैक फुल फॉर्म और ये कहाँ पर यूज होते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज होते हैं, तो ये बैक और यैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर यूज इन फॉर क्लोनिंग इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। द फ्रेगमेंट्स आर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस, अब ये जो फ्रेगमेंट बन गए ये टुकड़े टुकड़े हो गए, अब ये टुकड़ा एक नंबर, ये टुकड़ा दो नंबर, ये टुकड़ा तीन, ये टुकड़ा चार, ये टुकड़ा छः, ये टुकड़ा पाँच, ये कैसे जानोगे आप तो सीक्वेंसिंग कर ना पाओगे, उसके लिए ऑटोमेटेड ऑटोमेटिक अपने आप चलने वाली डीएनए सीक्वेंसिंग है, डीएनए सीक्वेंसर है जो उनको एलाइन कर देंगे, वो बता देंगे आपको रीड करके कि ये पहला नंबर का टुकड़ा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवा। ठीक है, दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप बाय फ्रेडरिक सेगर, तो इनकी जो सीक्वेंस करने की कला थी ये जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर हैं
ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं, ये सिद्धांत पे काम करते हैं जो कि फ्रेडरिक सैंगर ने डिस्कवर किया था, इतना याद रखिएगा। सैंगर इज आल्सो क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, और सैंगर को ही क्रेडिट जाता है किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड की क्या सीक्वेंस है, कि हिस्टिडीन, हिस्टिडीन के बाद प्रोलीन, वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, तो प्रोलीन, तो ये जो सीक्वेंसिंग बताई गई किसी पॉलीपेप्टाइड चेन की, वो किसने इसको निर्धारित करने का तरीका बताया, फ्रेडरिक सैंगर ने। दिस सीक्वेंसेस वर देन अरेंज बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन, और ये जो सीक्वेंसिंग करी गई, यहाँ पे तुम फंसते हो ओवरलैपिंग रीजन, कि ये जो सीक्वेंसिंग करी गई ये टुकड़े हो गए जब आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ किया, डीएनए के इतने टुकड़े हो गए। अब आपको कैसे पता लगेगा, एक नंबर का टुकड़ा ये है, दो नंबर का ये है, तीन नंबर का ये है, चार नंबर का ये है, पाँच नंबर का ये है, छः नंबर का ये है, कैसे पता लगेगा, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। और ये किस पे काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं अरेंज बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग रीजन पे। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट फॉर सीक्वेंसिंग, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ओवरलैपिंग सेगमेंट जनरेट करने हैं सीक्वेंसिंग होने के लिए। ये कैसे होगा ये समझो बेटा, अब समझो, ये डीएनए है, इस डीएनए को आप इको आर वन से काटिए, तो इको आर वन कहाँ काटेगा, जहाँ पे सीक्वेंस उसकी मिलेगी, रिकॉग्निशन सीक्वेंस जी ए ए टी सी टी सी, ठीक है जी, ठीक, वहाँ से काट देगा। और अगर इसी को हम किसी दूसरे, इसी जीनोम को हम किसी दूसरे उससे कटवाएं, मानिए हिंद थ्री से कटवाएं, हिंद थ्री से कटवाएं या बाम से कटवाएं, मानिए हमने बाम वन का यूज किया, तो वो अपनी पसंद की सीक्वेंस से काटेगा, वो यहाँ से नहीं काटेगा, वो काटेगा जहाँ पे ये सीक्वेंस आएगी, तो बाम ने यहाँ से काट दिया और बाम ने यहाँ से काट दिया। अब देखो, अब बात समझो, तो पहले हमने एक जीनोम लिया था और उस जीनोम को जब काटा था तो दो जगह यहाँ से कटा, फिर आपने उसकी दूसरी कॉपी, ये वाला तो कट गया, फिर आपने दूसरी कॉपी दूसरे से कटवाई, उसने दूसरी जगह से कटा, तो ओवरलैपिंग सीक्वेंस बन जाएगी, बन जाएगी, नहीं समझ में आया ना, नहीं। आपके पास कोई बुक है 100 से, एक से 100 तक की पेज वाली, आपने किसी को दी और कहा जी इसके तीन टुकड़े कर दो, तो एक से 30 तक उसने पेज, फिर 31 से 61 तक पेज, और फिर 62 से 100 तक पेज, उसने ये आपको करके दे दिए तीन जगह से एट रैंडम। फिर आपने दूसरे को वही बुक की दूसरी कॉपी दी, आपने कहा जी इसके जरा मुझे पीसेस करके दे दो तीन, उसने 1 to 37 किया, फिर 38 to 77 किया, फिर 78 to 100 किया, ओवरलैपिंग बन जाएगी। अब समझ में आई बात, अब जब आपके पास कोई ऐसा कंप्यूटर हो जो रीड करे, वो 1 to 30 रीड करेगा, तो 30 के आगे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 इसके कंपैरिजन से वो समझ जाएगा कि 37 यहाँ तक आ रहा है, इसके आगे ये होना चाहिए। अब इस वाले के बाद ये देखिए, 31 से 37 वाला कॉमन है ना, तो ये बात समझ में आई ना कि 31 से लेके 37 पेज तक की कहानी आपके पास है, 1 से 30 पेज और फिर 31 से 61 पेज, तो 31 टू 37 पेज तो कॉमन है ना, आपको समझ में आ जाएगा ये इसके कंटिन्यूएशन में, ये हो गए ओवरलैपिंग सेगमेंट। एक ही जीनोम को आपने दो अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, दो अलग अलग, दो कॉपी जीनोम की, ह्यूमन जीनोम की, एक जीनोम की आपने कटिंग करवाई बाम एच वन से और एक की कराई इको आर वन से, तो उसमें ओवरलैपिंग सेगमेंट्स बन जाएंगे और कंप्यूटर उसको अरेंज कर देगा दोनों को रीड करते हुए, 1 to 30 के बाद उसको पता है ना 31, 32, 37, तो वो ये मिल गया, तो समझ में आ गया कि ये पहला है, उसके बाद ये है, फिर 61। अब इधर देखिए आप, 38 से चले आप 61 तक पहुँचे, तो उसके बाद 62, 63, 64, 77 तक तो कहानी मिल रही है ना, तो उसमें मिल रही है आपको, समझ में आ जाएगा उसके बाद इसका नंबर है। इस तरह से अब आप समझ गए होंगे ओवरलैपिंग सेगमेंट का क्या मतलब है। दिस सीक्वेंस वर देन अरेंज बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम, ठीक है ना। अरे बेटा ए टी सी जी सी जी सी जी सी जी आ रहा, फिर आ रहा ए टी ए टी ए टी, ठीक है, यहाँ कहीं से कट लग गया, उसके बाद की ये सीक्वेंस,
और जो दूसरा तुमने कटवाया है उसमें जब इसी सीक्वेंस की शुरुआत होगी तो समझ में आ जाएगा ना ये और ये सेम है, इसका मतलब है जहाँ से साथ ये छूटा उसके बाद वाला ये होगा। ओवरलैपिंग से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब क्लियर हुआ, वही आप उसको वही मान के चलिए कि 1 to 100 पेज तक की आपके पास बुक है, 30 पेज तक आपका एक 1 to 30, फिर 31 से 61, फिर 62 से 100, और एक वही बुक की दूसरी फ़ोटो कॉपी आपने किसी और को दी, इसके टुकड़े कर दो, उसने 1 to 44, फिर 45 to 80 और फिर 81 to 100। जब आपको इन टुकड़े मिलेंगे तो आप समझ जाओगे ना कि बेटा कंटिन्यूएशन में कि 1 to 30 के बाद, क्योंकि 31 के आगे तो यहाँ 34 तक तो ये कॉमन हो जाएगा ना, ये ओवरलैपिंग नहीं हो जाएंगे टुकड़े, तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि सेकंड नंबर का पीस ये है, थर्ड नंबर का पीस ये है। लॉजिक समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ी देर धूप में बैठो कर फिर समझो। ये दिस सिक्वेंसेज वर द अरेंज बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट इन दम, दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट। तो ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट जनरेट करने कैसे जनरेट होंगे, अलग अलग दो कॉपी जीनोम की दो अलग अलग आप रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से कट करवा लीजिए, ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट जनरेट हो जाएंगे। अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस वर ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। अब इनको अलाइन करना, एक सीन में लगाना, मतलब ये जानना कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ह्यूमन थोड़ी ना कर पाएगा, वो कंप्यूटर रीड करके बता देगा कि भैया ये वाला जो है ओवरलैपिंग, इसका मतलब है एक के बाद दो ये है, तीसरे नंबर का ये है। अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस वॉट नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, देयरफॉर स्पेशलाइज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम डेवलप, और कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम डेवलप किए गए अलाइन करने के लिए। दिस सीक्वेंस वॉज सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड, फिर इनको एनोटेशन कर दिया गया सीक्वेंस को कि इस सीक्वेंस की वजह से ये काम हो रहा है, इस सीक्वेंस की वजह से ये काम हो रहा है, उनको जिम्मेदारी उनकी निर्धारित कर दी गई कि ये जीन ये काम कर रहा है, ये जीन ये काम कर रहा है, एंड असाइन टू ईच क्रोमोसोम, और साथ के साथ ये भी निर्धारित कर दिया गया, जैसे कि हम जानते हैं जीन आई सिचुएटेड ओवर द क्रोमोसोम नंबर 9, जीन आई विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट ओवर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी, दिस जीन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट, दिस जीन आई रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुपिंग, ये जीन आई 9 नंबर के क्रोमोसोम पे। इसी तरह से आप जानते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए जीन क्रोमोसोम नंबर 7 पे, इसी तरह से आप जानते हैं फिनाइल क्यूटोनूरिया के लिए जीन क्रोमोसोम नंबर 12 पे, जिसमें कि आप देखेंगे कि फिनाइल एनानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अगर नहीं बना, जीन म्यूटेटेड हो गया तो फिनाइल क्यूटोनूरिया हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जीन्स उनकी समझ ली गई क्या वर्किंग है, क्या काम कर रहे हैं और किस क्रोमोसोम पे वो है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सारी बातें समझ ली गई। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 was completed in May 2006 में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम 1 की कंप्लीट हुई सीक्वेंस May 2006 में, ये आखिरी था। तो 24 क्रोमोसोम है ह्यूमन में बेटा, 22 आपके ऑटोसोम, एक एक्स एक वाई, 24 तरह के क्रोमोसोम है ह्यूमन बींग में, 22 ऑटोसोम, 1X and 1Y, सीक्वेंस हो गई सारों की 2006 खत्म होते होते तक। अनदर चैलेंजिंग टास्क वॉज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैपिंग। अब ये जो टास्क एक और बड़ा मुश्किल था सीक्वेंसिंग करने के बाद, जेनेटिक मैपिंग करना, मैप मतलब ये बताना GPRS किस क्रोमोसोम पे कहाँ पे किस लोकाई पे कौन जीन है। दिस वॉज जनरेटेड यूजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट। तो ये इस बात पे निर्धारित किया गया कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्निशन साइट, वही पैलिंड्रोमिक साइट जहाँ से वो काटेगा, अभी जैसे मैंने बात करी थी ECOR1 की, जिसकी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट है GAA TCGAA TTC। तो जहाँ पे भी ह्यूमन जीनोम में ये सीक्वेंस आएगी हमारा, अगर आप ECOR1 को यूज़ करो, जी और ए के बीच में कट लगा देगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये भी मेरा एक लेक्चर डाला हुआ है, पॉलीमॉर्फिज्म डालिए, लोकेट कर लीजिए, देख लीजिए पॉलीमॉर्फिज्म। एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन, अगर किसी लोकाई पे हायर फ्रिक्वेंसी में मिल रहा तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, डिटेल में लेक्चर देख लीजिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट पर मैपिंग कर दी गई, एंड सम रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस नोन एज माइक्रो सैटेलाइट। तो माइक्रो सैटेलाइट के पॉलीमॉर्फिज्म और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट की पॉलीमॉर्फिज्म के आधार पर DNA पे जीन की मैपिंग कर दी गई। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन रिपीटेटेड सीक्वेंस DNA शैल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA पॉलीमॉर्फिज्म बेसिस बनाता है जेनेटिक मैपिंग का, जीन मैपिंग का, उसके अलावा DNA सीक्वेंसिंग का, DNA फिंगरप्रिंटिंग का, ठीक है, ये बात ये याद रखिएगा। इस बार नीट 2022 में क्वेश्चन आया था,
नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ जीन मैपिंग, जेनेटिक मैपिंग इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एज वेल एज जीन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पॉलीमॉर्फिज्म बेस बनाता है। ठीक, चलिए आगे। सेलियंट फीचर क्या थे, आखिरी में आके इसके सेलियंट फीचर मुख्य बात है, विशेष बिंदु। सम ऑफ द सेलियंट ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3.64.7 मिलियन बेस पेयर, 3164.7 मिलियन बेस पेयर का ह्यूमन जीनोम है। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस, हर जीन में ऑन एन एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस, बट दिस साइज वेरी कर सकता है। और लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन का है जिसमें 2.4 बिलियन बेसिस हैं। इंपॉर्टेंट है, लाइन याद रखिएगा, लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन है और 2.4 मिलियन बेसिस हैं इसमें। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड 30,000। टोटल नंबर ऑफ जीन का जो हमारे देखे गए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद ये देखा गया कि नियर अबाउट 30,000 जीन है, और पहले इसका एस्टिमेट लगाया जा रहा था 80,000 to 140,000 जीन्स हैं ह्यूमन में, लेकिन अब देखा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद कि नियर अबाउट 30,000 जीन्स होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। तो हम लोग का जीन, मेरा तुम्हारा सबका जितने भी हैं, 99.9% सेम है, केवल 0.1% डिफरेंस है। और वही डिफरेंस की वजह से कोई अमिताभ बच्चन है, कोई रणवीर कपूर है, कोई रणधीर सिंह है, कोई आपका प्रकाश पादुकोणे है, कोई दीपिका पादुकोणे है, कोई सोहेल अब्बासी है, कोई जतिन मल्होत्रा है, कोई शोएब इलियासी है, तो कोई ओवैसी है। तो ये अलग अलग जी जो 0.1% का डिफरेंस है, उसी में हम लोग इंडिविजुअलिटी जो हमारी है वो 0.1% की वजह से, केवल उस वजह से है। द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन। तो 30,000 जीन जो हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली समझे, उसमें से 50% के जीन के अभी हमें फंक्शन भी नहीं मालूम। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। और ये जो हमारा जीनोम है जो 3164.7 मिलियन बेस पेयर का बना है, उसमें से केवल 2% ऐसा है जो कोड कर रहा है प्रोटीन के लिए। ठीक, रिपीटेटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन। और रिपीटेटेड सीक्वेंस जो है, जहाँ पे 80 80 80 80 80 80 80 आ रहा रिपीटेड सीक्वेंस, वो बहुत बड़ा बना रही है पोर्शन ह्यूमन जीनोम का। रिपीटेटेड सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए। रिपीटेटेड सीक्वेंस जो है ये डीएनए के ऐसे स्ट्रेच, ऐसी वो श्रृंखला है दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम, जहाँ पे ये सीक्वेंस जो है बेसिस की बार बार रिपीट हुई है, समटाइम्स 100 to 1000, कई बार सैकड़ों से हजारों बार। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, उनका कोई कोडिंग फंक्शन नहीं है, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डायनेमिक्स एंड इवोल्यूशन। लेकिन वो कोडिंग कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे प्रकाश डालते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं, क्रोमोसोम्स के काम करने के डायनेमिक्स पे वर्किंग पे बताते हैं, और इवोल्यूशन और हमारे जैव विकास के संबंध में भी जानकारी देते हैं। क्रोमोसोम एक पे सबसे ज़्यादा जीन है 2968, क्रोमोसोम वाई पे सबसे कम जीन है 231। तो क्रोमोसोम वन पे सबसे ज़्यादा जीन्स 2968 जीन्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स लोकेटेड ओवर क्रोमोसोम नंबर वन एंड क्रोमोसोम वाई शॉर्टेस्ट, उस पर सबसे कम जीन्स हैं 231 जीन्स हैं। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन, 1.4 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख मीन्स 14 लाख, ऐसी 14 लाख जगहें देखी गई हैं वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस अगर, जहां पे केवल एक बेस का, भाई 80 80 80, केवल एक बेस सी की जगह जी है, केवल वन बेस का डिफर हो गया। तो 14 लाख लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस अगर इन ह्यूमन में सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है लगभग उनके जीनों में 14 लाख जगह पर। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम लोग SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन प्रोमिसेस टू रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है, ये अपने आप में क्रांतिकारी सोच, क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है, जिससे हमें समझने में मिलेगा प्रोसेसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीजेस, कि हम ये जान सकेंगे कि किसी क्रोमोसोम पे कौन सी सीक्वेंसेस है जिसकी वजह से बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पे ख़त्म ये आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब इसकी ये शॉर्ट में नोटिस मैंने जो आप लोग को बताया कि भाई जो बातें आपने याद रखनी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में चालू हुआ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट था, ह्यूमन जीनोम में हमें करना क्या, 10 to 10 to the power 9 अप्रॉक्सीमेटली बेस
पेयर की सीक्वेंसिंग करनी है। कॉस्टिंग अनुमानित लागत अगर देखी जाए शुरू में $3 पर बेस पेयर थी, इसका मतलब है $9 बिलियन $ रिक्वायर्ड थे शुरुआत में, ठीक है जी। और अगर ये जितनी अगर आपने सब सीक्वेंसिंग कर ली तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप उसको स्टोर कर रहे हो तो 3,300 बुक्स भर जाएंगी अगर हर बुक में 1,000 पेजेस होंगे और हर बुक पे 1,000 लेटर होंगे। इतना ये वास्ट पैमाने पे किया जाने वाला काम था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से बायो इन्फॉर्मेटिक्स का उद्भव हुआ, ओरिजिन हुआ, अराइज हुआ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक नई फील्ड डेवलप हुई। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या थी? बायोलॉजिकल डाटा, जब आप क्लब कर दिया आपने बायोलॉजिकल डाटा को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, कंप्यूटर बेस्ड आपने सब उसका स्टोरेज, रिट्राइवल, एनालिसिस, ये सब करने के लिए उस तरह के सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह डेवलप करने लगे, तो ये जो नई ब्रांच बनी इसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोला। गोल्स क्या थे? गोल्स थे आपका, जैसे मैंने बोला था, आईडी सीता कर लीजिए, सीडा की आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20,000 टू 25,000, आपको जीन्स पहचानने, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल द बेस सीक्वेंसेस करने, तो बेस सीक्वेंसेस कितने थे? 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर थे, 3 बिलियन भाई, 3.3 × 10⁻⁹, 10⁻⁹ मतलब बिलियन, तो 3 बिलियन बेस पेयर की सीक्वेंसिंग करनी थी। उसके बाद स्टोरेज करना था, उसके बाद इम्प्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस था, उसके बाद ट्रांसफर दिस टेक्नोलॉजी टू रिलेटेड फैक्टर को ट्रांसफर करनी थी, और आखिरी में आके एड्रेस करना आपने किसको, एथिकल इशू अगर अराइज हो रहा, सोशल इशू अगर अराइज हो रहा, और अगर कोई भी इस तरह का इशू अराइज हो रहा तो आपको उसको एड्रेस करना है। 13 साल चलने वाला प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट किसने चलाया? US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। फिर उसमें शुरू में इनिशियली कंट्रीब्यूशन मेड बाय वेलकम ट्रस्ट, लेटर और भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन आए, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2003 में। रिवोल्यूशनरी चेंजेस हो गए डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में, जब हमको ये सारी जानकारी मिल गई। तो ना केवल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करी गई, कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की भी सीक्वेंसिंग करी गई है, जैसे कि बैक्टीरिया ही, सीनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, ड्रोसोफिला, प्लांट्स में राइज और एडोप्टोसिस एक्सेट्रा की कर ली गई। मेथड क्या था, क्या तरीका था? तो दो तरह की अप्रोच थी कि केवल आप सीक्वेंसिंग टैग को, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग को आप करें, केवल जो एक्सप्रेस हो रहे हैं DNA कोडिंग सीक्वेंस केवल आप उनकी कर लें, जो अपने को जीन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं RNA पे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग उनको कर लें, या आप कंप्लीट जीनोम की कर लें। तो कंप्लीट जीनोम की ब्लाइंड अप्रोच कर रहा है, आपने उसमें एक्सॉन इंट्रॉन सब की कर ली, और बाद में आपने असाइन किया कि इसकी जिम्मेदारी ये है। इसमें आपने जो अलाइनिंग कैसे करी, आपने इसको कट कर लिया, कट करने के बाद आपने ऑटोमेटेड सीक्वेंसर की सहायता से इसकी सीक्वेंसिंग कर ली, अलाइन कर लिया। तो वो किस पे ऑटोमेटेड सीक्वेंसर किस पे आधारित, किस काम पे आधारित है? ये फ्रेंडिक सैकर के प्रिंसिपल पे आधारित है, और इसमें ओवरलैपिंग सेगमेंट के हिसाब से वो उसको अरेंज कर देगा, बता देगा कंप्यूटर, आप ना करवाओगे ये एक है नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, ये चार नंबर, ये पाँच नंबर, ये छः नंबर। उसके बाद आपने क्या करना, उसके बाद जेनेटिक मैपिंग करनी, उसका आधार क्या बनना, DNA पॉलीमॉर्फिज्म। जेनेटिक मैपिंग, जीन मैपिंग का आधार पॉलीमॉर्फिज्म, और पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ किस चीज़ का, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट का पॉलीमॉर्फिज्म, उसके पॉलीमॉर्फिज्म के आधार पे ये सब कर लिया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो क्लोनिंग करी गई थी, क्लोनिंग किस में करी गई थी, बैक्टीरिया और ईस्ट में करी गई थी, और उसके लिए जो वेक्टर था बैक आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम था, ठीक है। ये सारी बातें आपने बेटा याद रखनी है। फ्रेगमेंट्स और रेंज, ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस मैंने बता दिया, बेस किस पे थे, ओवरलैपिंग सीक्वेंस पे थे, ये भी बता दिया। फिर आइए सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम, वन कंप्लीटेड इन द मई 2006 में आके कंप्लीट हुआ, 24 के 24 कंप्लीट हो गए। पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये भी बात हम लोग कर चुके। सेलियंट फीचर क्या थे, आखिरी में आके जो आपको मिल गई जानकारी, गोल अलग है, गोल आपके उद्देश्य, सेलियंट फीचर विशेष बात है। ह्यूमन जीनोम किसका बना, 3,164.7 बेस पेयर का बना। एवरेज जीन में 3,000 बेसिस हैं, सबसे लंबा जीन, सबसे बड़ा जीन हमारा डिस्ट्रोफिन का, जिसमें 2.4 मिलियन बेसिस हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन ह्यूमन जीनोम के बाद देखा गया 30,000 था, जिसको हम इनिशियली आंक के चल रहे थे 80,000 टू 1,40,000। द फंक्शन ऑफ अननोन, 50% जीन के फंक्शन आज भी हमें नहीं पता है। लेस देन 2%, केवल 2% से कम जीनोम ऐसा है जो कोडिंग कर रहा है। रिपीटेटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन, रिपीटेटेड सीक्वेंस बहुत बड़ा पोर्शन बना रहे हैं ह्यूमन जीनोम का। रिपीटेटेड सीक्वेंस क्या है, जहाँ पे ये ऐसी DNA की श्रृंखला है, DNA के ऐसे पीसेज हैं, या DNA की ऐसी स्ट्रेचेज, ऐसी श्रृंखला है जहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है बार बार रिपीट हो रही सैकड़ों या हजारों बार। क्रोमोसोम फर्स्ट पे सबसे ज़्यादा है जीन्स के, कितने, 2,968। क्रोमोसोम वाई पे सबसे कम है, तो 231।
साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड और साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन ऐसे बेसिस ऐसी लोकेशन ट्रेस करी है, जानी है, जहाँ पे केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है। तो मेरी ये जो आखिरी में आके राम कहानी छोटी सी है, अगर आप लोग इसको पॉज करके इसको कॉपी करके इतना ही रट लो तो क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। ये जो आपकी 3 स्लाइड है, अगर तो आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं समझ में आई तो बेटा इसको घुट्टी की तरह पी लो, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, आखिरी में आके अब हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस देख लें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी। कौन सा था? बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? क्लबिंग ऑफ बायोलॉजी बायोलॉजिकल डाटा अलॉन्ग विथ हमारे IT सेक्टर। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद डाटा स्टोरेज रिट्राइवल रिकलेक्ट करना एंड एनालिसिस ऑफ बेसिस इन ह्यूमन जीनोम हाई स्पीड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके। द मेन एम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन एम क्या था? टू डेवलप बेटर टेक्निक्स और कंपेयरिंग टू डिफरेंट ह्यूमन DNA सैंपल? नो। टू रिमूव डिजीजेस कॉजिंग जीन? नो। टू इंट्रोड्यूस न्यू जीन? नो। टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ ऑल द जीन प्रेजेंट? हाँ जी, आइडेंटिफाई करना, ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करना और सारे जीन्स को जानना। टू आइडेंटिफाई सीक्वेंस ऑफ ऑल द जीन्स, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट, यू शुड गो विद इट। ओके, चलिए आगे। एज पर इंफॉर्मेशन ह्यूमन जीनोम में कितने जीन्स हैं? 30,000, जिसको हम प्राइमरली शुरू में अप्रॉक्सीमेटली आके चल रहे थे 80,000 टू 140,000। द सीक्वेंसिंग ऑफ इंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वॉज कम्प्लीटेड इन 1996। द ऑर्गेनिज्म वॉज ह्यूमन जीनोम कब चालू हुआ? 1990 में और 2003 में जाके कम्प्लीट हुआ। तो 1996 में किसका हुआ था? ईस्ट का। ये NCERT के बाहर का, याद रखना चाहो रखो, भूलना चाहो तो भूल जाओ। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों नहीं? ह्यूमन जीनोम कंटेंस 3,164 7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। हाँ ये बात ठीक है। लेस देन 10% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, लेस देन 2%। अभी हम लोगों ने देखा सेलिएंट फीचर में लेस देन 2%। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन, जी ठीक। क्रोमोसोम हैज मोस्ट जीन, ठीक। वाई हैज फ्यूएस, ये भी ठीक। तो क्या गलत हो गई बात? चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? का एम नहीं है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एलिमिनेट ऑल डिजीजेस नहीं है। सीक्वेंस द जीनोम, पूरे सीक्वेंस करनी है हमारे, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑल अप्रॉक्सीमेटली जीन, हाँ आइडेंटी ये भी क्या था। स्टोर द गैदर्ड इन्फॉर्मेशन इन डाटाबेस, ये भी उसका एम था, गोल था। एलिमिनेट ऑल डिजीजेस, डिजीजेज एलिमिनेट करना एम नहीं था। तो ये हमारा बी हो जाएगा आंसर। What is the impact of human genome project of human welfare? Human welfare पे क्या इफेक्ट हुआ? जीन थेरेपी हम लोग करने लगे, इम्प्रूव डायग्नोसिस हो गया, रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ हेरिटेबल डिजीज, हाँ ये भी हुआ। हेरिटेबल डिजीज हम लोग समझ गए और हम लोग उसको समय से जीन थेरेपी करने लगे। ऑल ऑफ द अबव, यू शुड गो विद ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइलोजेनेटिक डिसऑर्डर, ये छोड़ो इसमें आप उलझोगे। फाइलोजेनेटिक डिसऑर्डर, तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पे आके DNA फिंगरप्रिंटिंग हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिस्कस। यहाँ पे आके इतना आप लोग के लिए बहुत है, इतने को आप तैयार कर लो। अगर यहाँ तक आ गए हो तो बेटा फिर लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलता हूँ ब्रेक के बाद, अगले में DNA फिंगरप्रिंटिंग ही कराता हूँ। Till then, good luck, goodbye, have a nice day, thank you.